जय हिंद दोस्तों, करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो कि 2024 में नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि क्या चीज़ पूछा जाएगा, किस तरह से पढ़ना है और ये एग्ज़ाम कब लिया जाता है, सभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम कब दिया जाता है और इसका फॉर्म कब निकलता है। तो हम बता दें कि ये फॉर्म हर एक साल निकालता है NVS के थ्रू से, और ये 3 से 4 महीना गैप लेकर, यानी कि जैसे हम अभी अगस्त में आप लोग को यदि फॉर्म निकला है तो जनवरी से फरवरी के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसमें 3 से 4 महीना गैप देकर ये फॉर्म निकाला जाता है NVS के थ्रू। ये सरकारी फॉर्म होता है, इसका सेंटर भी दिया जाता है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता, ये ऑफलाइन होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं, और नंबर की बात करें तो इसमें नंबर होते हैं 100 नंबर। तो पड़ गया आप लोग का एक क्वेश्चन 1.25, यानी कि एक क्वेश्चन नंबरिंग होगा 1.25 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं और नंबरिंग 100। तो अब बात आता है कि 80 क्वेश्चन कौन सा विषय का होता है। तो हम बता दें कि 80 क्वेश्चन 3 विषय का होता है। कितना विषय का होता है? 3 विषय का। तो कौन कौन? तो आप लोग को सबसे पहले मेंटल एबिलिटी होते हैं, मेंटल एबिलिटी बोले तो रीजनिंग। उसके बाद आता है गणित यानी अर्थमैटिक। उसके बाद आता है हिंदी, और जो जैसे हिंदी जिसका है तो हिंदी आएगा, और जिनका इंग्लिश है तो इंग्लिश आएगा। जो जैसे इंग्लिश और हिंदी यही सब चेंज होता है, जैसे कि बहुत सारे के उर्दू होते तो उर्दू में भी एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप लोग को सभी चीज़ रहेगा, हिंदी चेंज हो जाएगा उर्दू में। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो टोटल क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग का, जो सबसे पहले आप लोग को रीजनिंग का ही मिलेगा। उसके बाद आप लोग को मैथ का 20 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद यानी 40 के बाद 60 तक मिलते हैं गणित, जैसे बोलते हैं मैथ या गणित या मैथमेटिक्स जो बोलिए। 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ का, उसके बाद 20 क्वेश्चन होता है हिंदी का। तो मैथ में तो कुछ सिलेबस हम अपलोड कर दिए हैं भी, और कुछ बाकी तो वो अपलोड हो रहा है। अब बचा हिंदी में कि क्या क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में आप लोग को ज़्यादातर कुछ पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा है कि वहाँ पे गद्यांश दिया जाता है। जिस तरह से कहानी पढ़ते और क्वेश्चन आंसर बनाते हैं उसी तरह से वहाँ पे भी देना होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ 3 से 4 व्याकरण मिल जाता है। तो व्याकरण में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो ये था आप लोग का सिलेबस। वैसे तो हम वीडियो बना चुके कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये हम शॉर्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर नहीं बताना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हमारा ये वीडियो नहीं देखे कि कौन सा चैप्टर है, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। तो अब हम बता दें कि आपको बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि नंबर पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो इसमें पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं होता है, आप लोग जितना अधिक से अधिक नंबर लाइए। आप लोग को यदि 100 में 100 आ गया तो बहुत अच्छा, 90 भी आया तो वहाँ पर आप लोग को देखा जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉर्डर है 80 नंबर का, यदि आप लोग 80 से प्लस कर दिए, सभी बच्चा जैसे 30 को नवोदय विद्यालय में जाना है तो 80 से प्लस 30 बच्चा किया है तो 80 से ही सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं तो 90 से प्लस 30 बच्चा को हो गया तो ये आप लोग का 80 वाले को सिलेक्शन नहीं होगा, 90 वाला से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी जिसे बोलते हैं कट ऑफ, इसमें माइनस मार्किंग सबसे ये पॉजिटिव बात है कि माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है। जैसे कि और सभी एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। ये नहीं कि हम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो नहीं मारेंगे, नहीं तो माइनस मार्किंग चले, ये बात इसमें नहीं है। आप लोग को यदि आता है तो सही है, नहीं आता तो भी मार सकते हैं। तो इसमें इतना ही था एग्जाम को लेकर। उसके बाद अब देखते हैं कि हम एग्जाम क्वालिफाई किस तरह से करते, यानी पढ़ रहा है तो बहुत सारे बच्चे अगला बार भरे थे 38,000 बच्चे, तो 38,000 बच्चे को तो सिलेक्शन नहीं लेना है, लेकिन हमारे चैनल से जितने भी पढ़ रहे हैं सिलेक्शन उन्हीं को दिवाना है। तो अब देखिए कि अब जैसे जो अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं और बहुत सारे अभी सोच रहे हैं कि अभी 3 से 4 महीने तो हम तैयारी कर लेंगे, 3 से 4 महीना।
तो हम बता दें कि अब तक सोते रहोगे तो बहुत चीज़ खो दोगे, तो इसीलिए अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत सारा पीछे हो जाएगा और आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अब सिलेक्शन मेन बात है कि सिलेक्शन किस तरह से होगा, ये रणनीतिक है कि सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में कैसे होगा। हमारा मकसद है कि जैसे ये वीडियो भी अगला बना सकते हैं और व्यूवर्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि आप लोग को सही कंटेंट मिले और बहुत ही कम समय में, बहुत कम समय में। तो जैसे कि आप लोग किसी प्रकार का भी गाइड पढ़ते होंगे, या उपहार या अरिहंत या ब्रिलियंट या जो भी गाइड पढ़ते होंगे, या विद्यासागर, डजेंट मैटर, सभी में एक ही रहता है। लेकिन आप लोग सेट मारिए जो भी मारना चाहते हैं, लेकिन जैसे कोई भी चासुकी या जितना भी सेट आया है पब्लिकेशन का सभी को मार सकते, लेकिन बहुत सारा किताब खरीदने से भी कोई फायदा नहीं है। बहुत सारा किताब खरीदेगा कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा और आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग जितना कम से कम बुक रखिए, जैसे कि अब गाइड हम लिए अरिहंत का लेते हैं, तो अरिहंत में टोटल हमारा 19 से 20 चैप्टर है। तो 19 से 20 चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को इस तरह से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि थोड़ा सा भी जैसे क्वेश्चन भी घुरा है तो हम घुर नहीं सकते, क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। तो इस ऐसा नहीं कि जितना उसमें दिया है उसी तरह से पढ़ेंगे और आप लोग का सिलेक्शन, ये सभी अपना अपना पब्लिकेशन जिसे बोलते फेंकता है वो सभी फेंकता है। और जब तक आप लोग अपने सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो आप लोग का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोग कोई भी गाइड पढ़िए, ये नहीं हम बोलते हैं कि अरिहंत पढ़िए या उपहार पढ़िए या उपकार पढ़िए, हमें डजेंट मैटर, ये सभी मैटर नहीं रखता है। सभी पब्लिकेशन कोई अनपढ़ नहीं आके ऐसा ही छाप दिया, सभी बढ़िया पब्लिकेशन का है और सभी में क्वेश्चन भी अच्छा है। तो कोई भी गाइड पढ़िए, लेकिन उसमें जितना भी क्वेश्चन है उससे जैसे ये वाला, जैसे मान लीजिए कि दो अंकों की बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी संख्या होता है 99, दो अंकों की बड़ी संख्या 99, लेकिन वहाँ पे आप लोग को सोच लेना है कि एक अंकों की बड़ी संख्या 1 ठो 9, दो अंकों की बड़ी संख्या 2 ठो 9, तीन अंकों की बड़ी संख्या 3 ठो 9। तो अगला जैसे कि वहाँ पे किताब में हमारा था पब्लिक कोई भी पब्लिकेशन में कि दो अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में पूछ दे 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना से, ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। तो कॉन्सेप्ट पे आप लोग बारीकी से ध्यान देकर पढ़िएगा। अब उसके बाद यदि आप लोग जल्दी से गाइड ख़त्म कर दिए तो आप लोग सेट लगा सकते हैं। जैसे सेट लगाएं, मान लीजिए हम एक चैप्टर को दशमलव भिन्न, डेसिमल्स को हम लेते हैं, तो दशमलव भिन्न में जो भी जैसे हम मार रहे हैं सेट, 5 सेट मारे, जितना भी क्वेश्चन है, जैसे हम डेसिमल से छूट रहा है क्वेश्चन, दशमलव भिन्न से क्वेश्चन छूट रहा है, तो हम सर्कल करके फिर से दशमलव भिन्न को हम बना लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को एक बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।